मैं हूँ योशु मायापुरी, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और अक्षय कुमार हमें साथ नजर आने वाले हैं राज मेहता की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल सेल्फी में। बता दें कि ये फिल्म जो है एक रीमेक है 2019 में बनी मलयालम कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का। ये डुओ जो है वो हमें एक डांस सीक्वेंस में नजर आएंगे, जिसके ग्लिम्स जो है वो सोशल मीडिया पर भी ड्रॉप हो चुके हैं। हम यहाँ पर दोनों को ग्लिट्सी जैकेट्स में देख सकते हैं और डुओ यहाँ पर पोज कर रहे हैं इल्यूमिनेटेड बैकड्रॉप में। इमरान हाशमी ने खुद ये शेयर करते हुए लिखा, 28 years after the original, the OG Khiladi with the new Anadi. This stare down led to a dance off, and what a dance off it was. Hashtag selfie. मेगा सुपरस्टार शाहरुख खान वापस घर आ गए अपनी शूटिंग करके। बता दें कि राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग वो यूके में कर रहे थे और एक्टर ने ज्वाइन किया था तापसी को शूटिंग पर लंदन बुदापेस्ट में। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान की तरफ से ये रिवील किया गया है कि इस फिल्म की शूटिंग वो पंजाब में रिज्यूम करने वाले हैं, जिसके बाद एक बार फिर वो इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे इस फिल्म की शूटिंग के चलते। इंटरनेशनल स्केड्यूल की बात करें तो बताया जा रहा है कि अब लंदन के बाद इस फिल्म की शूटिंग दुबई में होगी इंटरनेशनली, और इस फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क है वो भी शूटिंग के बाद तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। इन दिनों लाइमलाइट में बना हुआ है करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण का नया सीजन, जहां हर हफ्ते कोई ना कोई सेलिब्रिटी नजर आता है और लाइमलाइट में आ जाता है। इस बार हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और विकी कौशल नजर आए करण जौहर के शो में। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर के शो को ग्रेस किया विकी कौशल के साथ, और अपने कैंडिड चैट में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें स्पिल की अपने मैरिज प्लान्स, मूवीज़ और काफ़ी कुछ के बारे में। विकी कौशल ने यहाँ अपनी वाइफ कैटरीना कैफ के बारे में काफ़ी बातें की। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कियारा आडवाणी के बारे में बात की और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात की, लेकिन इतने अच्छे से नहीं। जिसके बाद बता दें कि करण जौहर ने यहाँ इनडायरेक्टली रिवील किया कि सिद्धार्थ कियारा को डेट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी फ्लाई कर रही हैं हाई ऑन सक्सेस बैक टू बैक उनके सक्सेसफुल फिल्मों के रिलीज के साथ। सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पाई जाती हैं, लेकिन इन दिनों कियारा आडवाणी ब्रूटली ट्रोल होती हुई नज़र आ रही हैं ऑनलाइन। वेल रिसेंटली कियारा आडवाणी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आउट हुई थी, जिसमें हमने देखा कि एक बॉडीगार्ड जो हैं वो कियारा आडवाणी के लिए उनका अम्ब्रेला होल्ड कर रहे हैं और बारिश में उनको कहीं ले जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों को ये वीडियो देखकर इतना अच्छा नहीं लगा। ट्रोलर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, कांट शी होल्ड हर अम्ब्रेला, तो दूसरे ने कहा, व्हाट्स रॉन्ग विद हर हैंड्स। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल हमें कई सारे अपकमिंग फिल्मों में नजर आने वाले हैं, और ऐसी कई सारी फिल्में हैं विकी कौशल की जो शेल्फ हो चुकी हैं। अगर हम शेल्फ फिल्म की बात करें तो तख्त और अश्वत्थामा जैसे फिल्मों की काफ़ी ज़्यादा बस बनी हुई थी, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि दोनों ही फिल्में शेल्फ हो चुकी हैं। अब इसके बारे में ढंग से बात करते हुए नजर आए विकी कौशल। रिसेंटली कॉफी विद करण में उन्होंने ये बोला, इस चीज़ के बारे में बात करते हुए, आई हैव दिस फेथ सो स्ट्रांगली इन मी दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट दैट कैनॉट बी शेकन एवर, बट सिंस यू हैव कॉल्ड दिस अ मैनिफेस्टेशन काउच आई वुड जस्ट से दैट तख्त एंड अश्वत्थामा। विकी कौशल का ये मानना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन वो अंदर से सच में चाहते हैं कि अश्वत्थामा और तख्त बने। एक्टर शाहिद कपूर और उनकी वाइफ मीरा राजपूत ने कुछ रोमांटिक स्टेप्स में डांस किया अपने पेरेंट्स के 40th एनिवर्सरी पर। बता दें अपने इंस्टाग्राम पर मीरा ने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की, जिसमें हम दोनों को इंटरनेशनल सिंगर ब्रूनो मार्स के सॉन्ग में मैरी यू में डांस करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हम मीरा को ट्रेडिशनल वेयर में और शाहिद को फॉर्मल वेयर में डांस करते हुए देख सकते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहे हैं और मेजर कपल गोल्स दे रहे हैं इस डांस वीडियो के साथ।
अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर बहुत जल्द रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में। बता दें कि विजय देवरकोंडा इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। ये फिल्म उनकी मच अवेटेड फिल्म बताई जा रही है। 25 अगस्त को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वेल, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की जो केमिस्ट्री है इस फिल्म में वो काफ़ी ज़्यादा सिजलिंग बताई जा रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि फिल्म मेकर्स की फर्स्ट चॉइस इस फिल्म के लिए अनन्या पांडे नहीं थी। जी हाँ, इस फिल्म के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस अनन्या पांडे के बजाय जानवी कपूर थी और उन्हें चाहिए था कि जानवी और विजय इस फिल्म में साथ नजर आए। शहनाज गिल जो हर जगह जाती है वो न्यूज़ लाइमलाइट में आ जाती है। शहनाज गिल को सब काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। रिसेंटली शहनाज को भाई के सॉन्ग लॉन्च में देखा गया, जहां वो जॉर्जिया के साथ डांस करती हुई नजर आई। शहनाज ने इस इवेंट में एक टू पीस ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था, जिसको उन्होंने कंप्लीट किया एक रेड ब्लेजर के साथ। यहां जॉर्जिया ने भी रेड टॉप पहना था। दोनों यहां पर रेड में ट्विन करते हुए नजर आए और डांस करते हुए नजर आए। शहनाज और जॉर्जिया को पहले भी साथ में काफ़ी बार स्पॉट किया गया है। दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को समन किया गया था एक्सटॉर्शन के केस के चलते। बता दें कि ईडी की तरफ से उनको 7.27 करोड़ के लिए समन किया गया और अब वो मेजर बॉयकॉट फेस कर रही हैं। बता दें ये जो एक्सटॉर्शन केस है वो अगेंस्ट कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर है और अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वो एक बहुत ही बड़ा बॉयकॉट फेस कर रही हैं। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अवॉइड कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस को अपने नए प्रोजेक्ट्स में साइन इन करने के लिए और लेने के लिए। एक्ट्रेस जो है वो एक टोटल डेथ नेल फेस कर रही हैं अपने करियर का। अनुराग कश्यप करंटली प्रमोट कर रहे हैं अपनी फोर्थकमिंग फिल्म दोबारा, स्टारिंग तापसी पन्नू। ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है। बता दें कि इस फिल्म के चलते उन्होंने ऑस्कर्स के बारे में भी बात की और उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में ये बताया कि फिल्म आरआरआर को ऑस्कर्स में जाना चाहिए इंडिया की तरफ से और द कश्मीर फाइल्स को नहीं जाना चाहिए इंडिया की तरफ से, जिसे डायरेक्ट किया गया है विवेक अग्निहोत्री द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म जाती है तो वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म इंडिया का एक हॉरिबल पास्ट और रियलिटी दर्शाता है जो इंडिया के लिए इतना प्राउड नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।